हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फर्स्ट पेपर को कैसे प्रिपेयर करें। आपको पता है, जैसा कि आपको जितना आपका फर्स्ट जो सेकंड पेपर है, जो सब्जेक्टिव पेपर है वो इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपका फर्स्ट पेपर भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने सेकंड में अच्छा स्कोर किया लेकिन आपने फर्स्ट को आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सेकंड पेपर के साथ साथ, अपने सब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ, आपको फर्स्ट पेपर पर भी उतनी ही मेहनत करनी होगी अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। बाकी फर्स्ट सेकंड पेपर जो है वो हमारा क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि वो हमने हर सब्जेक्ट, हर जो जितने भी एग्ज़ाम देते हैं ऑलमोस्ट चीज़ें वही आती हैं। लेकिन जो फर्स्ट हमारा पेपर है उसमें हमें पता नहीं रहता, क्योंकि सभी जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं या फिर सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं सबका लेवल थोड़ा सा अलग होता है। तो कौन से एग्ज़ाम में क्या पूछ लिया जाए, ठीक है, किस एग्ज़ाम का कौन सा पैटर्न होता है, तो वो सब चीज़ें, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होगा ये चीज़ कि आपको इसमें 5 पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें 5 पार्ट होते हैं जो कि 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। ईच जो है वो 20 मार्क्स का होगा, 20 ही उसमें क्वेश्चन होते हैं। इसमें से आपको जनरल कैटेगरी में 40 नंबर लाना ज़रूरी है। ऑल ओवर पाँचों में से, चाहे आप दो सब्जेक्ट में आप 20-20 लेके आएँ, ठीक है, बाकी आप 3 छोड़ दीजिए, चाहे कैसे भी करके आप किसी भी पार्ट में आप स्कोर कीजिए, आपको टोटल 40 लाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको जितने भी पार्ट हैं सभी में नंबर लाना ज़रूरी है, ठीक है। आपको बस ऑल ओवर 40 नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। इससे ज़्यादा आते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके परसेंटेज में वो इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट पेपर में मार्क्स स्कोरिंग की बात। उसके बाद देखिए, ये पैटर्न होता है DSSP का। अच्छा, DSSP का कोई सिलेबस नहीं है, DSSP का पैटर्न सेम रहता है एग्ज़ाम का, लेकिन इसका जो लेवल है उसमें थोड़ा सा अप और डाउन चलता है, बस क्वेश्चंस के लेवल में। बाकी पैटर्न, चाहे वो आप DSSP का कोई भी एग्ज़ाम देखें, सभी का लेवल सेम होता है, सॉरी सभी का पैटर्न जो है वो सेम होता है, क्वेश्चन उन्हीं चीज़ों में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो ये पैटर्न होता है, सबसे पहले आपसे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20। ये मैं यूँ कहूँगी कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप अपना टारगेट बनाइए। सबसे पहले आप 18, ठीक है, 17-18 आप मान के चलिए, तो आप अगर उसमें से 15 या 16 मार्क्स भी आप स्कोर करते हैं तो वो मोर देन इनफ है। तो मैथ इसके लिए, रीजनिंग के लिए, या तो आप अपनी कोई भी बुक देख लीजिए अच्छी सी, जो जिसमें कि रीजनिंग के सभी टॉपिक्स हों, ठीक है, उनको आप सोल्व कीजिए। या फिर आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं, किसी ऐप के थ्रू करना चाहते हैं, यूट्यूब पे करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद GK की बात आती है, इसमें आपको GK और जो करंट अफेयर है वो आपको करनी है, जो जनरल अवेयरनेस और आपकी GK और आपकी करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको 6 मंथ का करना है, लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, 6 मंथ के पहले अगर कुछ स्पेशल इवेंट हुए हैं, कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, कोई ओलंपिक्स वगैरह हुए हैं, कोई, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 6 मंथ से पहले का नहीं पूछ सकते, 6 मंथ का तो आपको करना ही करना है, लेकिन अगर उससे पहले कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हुई हैं तो आप वो आपको ज़रूर देखनी है। उसके बाद आप इसमें जो है लूसेंट की जो बुक आती है वो इसके लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उसमें सभी सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमी सभी हैं, और ये सभी आपको पढ़नी है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जनरल अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। जनरल अवेयरनेस में कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनको आप पढ़िए एक बार, आप जैसे लूसेंट की बुक है उसको पढ़िए, आपके जैसे राष्ट्रपति के नाम हो गए, सभी राष्ट्रपति के नाम आपने याद कर लिए, जितने भी आपके अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये सब आपने याद कर लिए। उसके बाद
जितने भी फोक डांस हैं, कैपिटल है, करेंसी है, ये जो मेन मेन चीज़ें हैं ये आपको याद करनी है। अनुच्छेद वगैरह जो है ये बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें टाइम मत दीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा है, तो आप उसको कहाँ तक याद करेंगे, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपना इसमें टाइम मैनेज करके चलिएगा। उसके बाद बात आती है मैथ की। अच्छा, इसमें आप लूसेंट ले सकते हैं। मैथ में जो है आप या तो अरिहंत की बुक ले लीजिए या फिर आरएस अग्रवाल, ठीक है, और या फिर अगर इन दोनों के अलावा आप पीवाईक्यू कीजिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए, तो ये दोनों बेस्ट हैं, अरिहंत और आरएस अग्रवाल। बाकी उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश भी आप देख लीजिए, बस एक बात का याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा मोटी बुक मत लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, और अगर आप एक ही सब्जेक्ट में बहुत डीप जाएंगे तो आपका वो टाइम जाएगा और आप जो है नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे इतना। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हिंदी, अगेन हिंदी जो है, अच्छा इंग्लिश में एक बात और, आप फोर नंबर तो इजीली आप 4 to 5, 5 नहीं तो 4 तो आप जो कॉम्प्रिहेंसिव आता है उसमें आप स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद ईडियम फ्रेजेज आप रोज़ 2-2, 3-3 कीजिए। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, और आपका एंटोनिम सिनोनिम ये आप रोज़ अभी से स्टार्ट कीजिए, और रोज़ के टारगेट बनाइए, या तो आप एक दिन में 2 या 3, ठीक है, ये सब चीज़ें आप अगर करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी जो है, हिंदी भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी और अकॉर्डिंग टू मी, देखिए सब स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी जो है और अलग अलग होती है, सब स्टूडेंट्स में क्षमताएं अलग अलग होती हैं और सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, किसी को क्या सब्जेक्ट पसंद है, तो हिंदी जो है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की, मैं बता रही हूँ, रीजनिंग और हिंदी ये दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, तो हिंदी में भी आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी के टॉपिक सब में सेम हैं। हिंदी को पढ़िए आप, सेम इसमें इंग्लिश की तरह ही जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, और एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, और जो इस टाइप के जो शब्द हैं, ये जो चीज़ें हैं ये आप डेली की, जैसे आपने 4 कर ली 5 कर ली एक दिन में, तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप इसमें आप अपना स्कोर 16 या 17 मान के चलिए, तो आप इजीली इसमें 15 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बुक समझ में आती है आप देखिए, तो जिसमें कि ये सभी टॉपिक्स हों, अच्छा टॉपिक्स क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तो उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, और उस वीडियो को मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अपनी जो नोटबुक है उसमें सारे टॉपिक्स आप नोट डाउन कीजिए, और टॉपिक वाइज आप स्टार्ट कीजिए कि फर्स्ट जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कीजिए। बाकी आपको हिंदी में जो भी बुक आपको सूटेबल लगे वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अगर आप करते हैं, बस आपको सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पार्ट को भी इक्वल टाइम देना है, सिर्फ सेकंड पेपर पर फोकस मत कीजिएगा, उसके साथ ही फर्स्ट पार्ट पर भी इक्वली फोकस कीजिएगा। अच्छा, एक बहुत कॉमन जो क्वेश्चन है वो रहता है कि कैन वी स्किप अ पार्ट, जो ये 5 पार्ट हैं क्या हम इनमें से कोई भी एक पार्ट हम टोटली स्किप कर सकते हैं क्या? मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको कि कोशिश कीजिए कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। दो तरह की बातें हैं। पहली, तो आप अगर आपको ऐसा करना है तो आप ये तभी कीजिएगा जब आप उनके जो मार्क्स हैं वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में आप स्कोर कर सकते हैं और आपको फुल कॉन्फिडेंस है, तभी आप कीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं, मोस्टली स्टूडेंट हैं जो जिनकी मैथ कमज़ोर होती है, या तो मैथ या फिर इंग्लिश, ठीक है। मैथ में कुछ बेसिक टॉपिक हैं जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए है, जिनका मैथ वीक है लाइक मी, तो जैसे कि औसत हो गया, ठीक है, एवरेज जो है, एवरेज परसेंटेज, तो ये कुछ 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप 4 नंबर
आराम से ले सकते हैं, ठीक है। 2 से 4 नंबर आप कर सकते हैं अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हैं तो। बाकी बहुत ज़्यादा डीप में, अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो आप बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए उसमें। उसकी जगह आपको अगर कुछ दूसरा सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो आप उसमें अपना टाइम ज़्यादा लगाइए, और उसमें आप 17-18 आप स्कोर करने की कोशिश कीजिए। बाकी बिल्कुल स्किप आप तभी कीजिएगा जब आप दूसरे में उसके नंबर कवर कर सकते हैं, ठीक है। और करना कहाँ से है, या तो आप बुक्स खरीदिए, यूट्यूब से प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन उन सबसे अच्छा है आप PYQ कीजिए। जितने भी DSSB के, SSC के, या फिर किसी भी टीचिंग या नॉन टीचिंग के आपको पेपर मिलते हैं कहीं से भी, आप उनको सोल्व कीजिए फर्स्ट पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के जो टॉपिक हैं वो सेम रहते हैं। लेवल आप देख लीजिए, इसमें जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई नहीं आता है, ठीक है। SSC ग्रेजुएशन लेवल का नहीं आ जाएगा, तो आप जो नॉर्मल है, इजी टू मॉडरेट इनका पेपर आता है, कभी थोड़ा सा लेवल डाउन रहता है तो कभी थोड़ा बहुत उसमें चेंज हो जाता है। तो आप जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग, ये मत सोचिए कि हमारे सब्जेक्ट का नहीं है, ये तो नॉन टीचिंग का है, नहीं। टॉपिक DSSB में सब के ही सेम है फर्स्ट पार्ट के लिए, इसलिए जितना हो सके आप फर्स्ट पार्ट को PYQ के थ्रू सोल्व कीजिए। और उसमें PYQ करते टाइम एक बात और याद रखिएगा, जैसे कि आपने मान लो कि उसमें आ गया कि यह नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है, नेशनल पार्क वहाँ पर पूछ लिया गया, तो आपको क्या करना है, नेशनल पार्क आपको पूरी आप लिस्ट तैयार कीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। इस तरह से आपका जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ, DSSB कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो ये कुछ बातें थी, अगर आप ऐसे इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप इजीली आपका फर्स्ट पार्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। और एक दो वीडियो हैं तो वो आप ज़रूर देखिएगा अबाउट फर्स्ट पार्ट सिलेबस, आप सिर्फ वही टॉपिक अगर आप करेंगे ना तो भी आप आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं उसका लिंक जो है वो दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आपके कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनके जवाब दूँ। थैंक यू।